बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। क्या ये फिल्म रीमेक है उग्रम का? क्या जॉन अब्राहम करेंगे टॉलीवुड डेब्यू इस फिल्म के साथ? क्या ये फिल्म एसआरके और सलमान खान की फिल्म्स के साथ क्लैश करेगी? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में आ गए हैं। प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 डायरेक्ट करी हैं, जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवी बन चुकी हैं। आपको बता दें कि सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय। KGF की फ्रेंचाइजी भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई थी। सलार मूवी के मेन स्टार हैं प्रभास और इनको अब पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने SS राजामौली की फिल्म बाहुबली में काम किया है और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग उस फिल्म में लोगों को बहुत पसंद आई थी। प्रभास ने भी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर है, जिसका नाम है राधे श्याम। और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी हैं, जैसे मिर्ची, साहो और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है, जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे, और रामैया वास्तवैया और श्रुति हसन के फादर को सभी जानते ही हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस जो 2010 में रिलीज हुई थी वो थी। तो चलिए और भी चीजें जानते हैं इस फिल्म के बारे में। कुछ वेबसाइट्स अभी थोड़े टाइम पहले तक ऐसी रिपोर्ट्स दे रही थी कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार जो है वो प्रशांत नील अपनी सक्सेसफुल फिल्म उग्रम को कॉपी करके ही उसका रीमेक बना रहे हैं, पर प्रशांत नील ने ये सारे रूमर्स क्लियर कर दिए इस पैन इंडिया फिल्म के बारे में और कहा कि सलार फिल्म की स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इस फिल्म का प्लॉट डार्लिंग फिल्म को दिमाग में रख के लिखा गया है। सलार एक एक्शन फिल्म है जिसमें प्रभास का एक न्यू अवतार देखने को मिलेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में काफी अच्छे फाइट सीक्वेंसेस होंगे और साथ ही काफी मैसी डायलॉग्स भी होंगे। साथ ही श्रुति हसन की ये फर्स्ट फिल्म होगी बाहुबली के स्टार प्रभास के साथ में। अभी फिलहाल बस इस बात की चल रही है कि बताया जा रहा है कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम शायद विलन का रोल प्ले करेंगे, अगर सब अकॉर्डिंग टू प्लान चले तो। अब ऐसी भी बात चल रही है कि बागी 2 की एक्टर दिशा पटनी भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती हैं। अब इतनी सारी चीजें प्लान हो रही हैं और इसमें से कुछ होंगी और कुछ नहीं, ये सब चीजें अभी कुछ महीनों में ही पता चल जाएंगी। फिल्म के पोस्टर को देख के ऐसा ही लगता है कि फिल्म में प्रभास का रोल बहुत वायलेंट होगा और हो सकता है कि वो डॉन या गुंडे का रोल प्ले करे इस फिल्म में। अगर ऐसा होता है तो प्रभास के फैंस बहुत एक्साइटेड होंगे और उन लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी जिनको प्रभास की फिल्म रिबेल, मिर्ची और छत्रपति पसंद आई थी। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2023 में बॉलीवुड के खान्स की फिल्म्स भी रिलीज होंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 2023 में ही रिलीज होगी और इन फिल्म्स का क्लैश होगा वो तो देखने लायक होगा कि इन तीनों फिल्म्स में से सबसे ज्यादा फिल्म सक्सेसफुल कौन सी होगी और फैंस को सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आएगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं उदित।